सी दो तरीके का है यू नो द वे फ्रॉम एडमिन एडमिन टीम जिस ढंग से कोविड लास्ट सात आठ महीने से जो चल रहा है ओके ऑफ कोर्स पहले इससे पहले जो लाइफ था ना यू नो विन वेन यू टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल क्या होता है और क्रिकेट लाइफ में क्या होता है मैं आपको एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ uh, जो बच्चे जो खेलते हैं ऑफिस के अंदर ओके okay? उन लोग का जो यू नोट आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग हम लोग जो सैटरडे जो टाइम बिताते हैं आठ घंटा दस घंटा जो ग्राउंड में बिताते हैं जो मंडे से लेके फ्राइडे जो हम ऑफिस में बिताते हैं ग्राउंड ओके हम एक दूसरे को हाई एलो कर रहे हैं you know, फ्लोर में आप गुजर रहे हो तो कोई साथ you know, हाथ उड़ा के करता है हाई स्वीन हू यू नो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड ये क्रिकेट एक ऐसा बांध के रखता है ना सबको एट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड इट्स अमेजिंग इट्स अमेजिंग ट्रू 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 श्रीन सर वेरी वेल सेड इन फैक्ट दैट इज समथिंग वन स्पोर्ट्स और वन कल्चर इन आवर आवर कंट्री वी शुड से इन अ टफर टाइम आल्सो इट इज बाइंडिंग अस एज वी सॉ दैट इन अ लॉकडाउन आल्सो सो मेनी यू नो ग्रास रूट लेवल इंटरव्यू सो मेनी स्क्रिप्ट्स केम अप व्हिच केप्ट द पीपल टुगेदर इन द टफ टाइम आल्सो

ओके okay. कोई मार्केटिंग में ज्वाइन किया कोई अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया जब उनको पता चलता है कि सोनी का एक क्रिकेट टीम है व्हेन दे कम एंड प्रेजेंट देमसेल्फ ओके इन इन दिस टीम तो दे आर पैशनेट गाइस मतलब वो ये नहीं सोच रहे कि यू you नो know, मैं प्रोफेशनली uh, uh, कहीं खेलता था या कुछ होता था यार दे बिकम वन फैमिली और uh, जो कॉलेज में खेलते थे जो नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ द यू नो सर्टेन रीजन

श्रीनिवास बुकारी की बात करते हैं कि वी ऑल नो ही इज अ यू नो क्रिकेट लवर बट आपकी लाइफ में क्रिकेट के लिए पैशन कैसे शुरू हुआ एंड हाउ हाउ यू टूक इट फॉरवर्ड सो अनुप यू नो ऑलवेज क्रिकेट लवर ओके मैं और कोई ज्यादा um, फुटबॉल वगैरह वो सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स मैच मैचेस देखता हूं बट आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर यू नो के व्हेन आई वाज 15 16 मैं वो क्रिकेट का खिट कर वर्ली में रहता था गो टू आजाद मैदान वहां जाके प्रैक्टिस करता था बट uh, वो घर का हालात इतना था कि यू नो यू कांट यू नो कीप ऑन प्लेइंग क्योंकि घर चलाना भी जरूरत होता था तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है देन यू हैव टू सेक्रीफाइस बट वेन आई जॉइंडीन आई वॉज ट्वेंटी दैट इज टाइम आई थॉट इधर कुछ करते हैं

तो so, अनूप uh, क्या होते हैं ना देख मंडे टू फ्राइडे वी वी आर आर ऑफिस यू नो ऑफिस के जगह कुछ सोचते नहीं है ओके okay? सब लोग पता है कि जो भी बच्चा इधर सोनी में काम करता है किया है इज ऑल बिकॉज ऑफ इज टैलेंट इज इज क्वालिफिकेशन एंड इज एक्सपर्टीज इसके लिए ज्वाइन किया है उसके बाद जो सैटरडे हम लोग जो ग्राउंड में खेलते हैं यू नो दैट इज एक्चुअली आर आर पैशन इसके लिए हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बट देर रूल एंड रेगुलेशन ओके okay? उनको जब बच्चे जब हम लोग मैच शुरू हो करते जब हड़ल होता है मैं इनको पहले ही बोलता हूं कि भाई वी आर रिप्रेजेंटिंग आर सोनी ओके वी हैव टू बी केयरफुल ओके इन केयरफुल इन टर्म्स ऑफ हम किस ढंग से बिहेव करते हैं अगर अंपायर अगर गलत डिसीजन देते हैं यू नॉट सपोज टू रियक्ट इंटरनेशनल में अगर गलत हो सकते तो बेचारा जो अपनी टीम में जो अंपायर है वो गलत हो ही सकता है ओके यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर कोई हो सकता है कि कोई कैच छुटा है यू you नो know, कोई हो सकता है कि फील्डिंग टिक से नहीं किया दे आर नॉट प्रोफेशनल्स ओके इस चीजों को जिस ढंग से हमको मेंटेन करना पड़ता है जैसा उनको बताना पड़ता है कि आई डू अंडरस्टैंड एग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि यू you नो know, अब, अब कैसा हम्बल रहना है यू you नो know, आज के दिन में क्रिकेट इज नॉट ओनली जस्ट अ पैशन उसके साथ साथ लॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ओके हफ्ते में एक दिन मिलता है किसी को अच्छा मौका मिला है तो तो आर द डिफरेंस यू नो आप जो क्लब क्रिकेट खेलते हो कॉर्पोरेट क्रिकेट दोनों में बहुत फर्क होता है यू यू नो एंड कैन वो बोलते ना कि एक एक बच्चा पंद्रह साल से जो बीस साल में जो डिफरेंस होता है ना मेच्योर्ड हो जाता है कॉर्पोरेट क्रिकेट इज एक्चुअली मेच्योर्ड क्रिकेटर्स इज नॉट नो मोर लाइक क्लब क्रिकेटर्स जो है कुछ अब्यूज कर लिया वो सब नहीं होता है यू you नो know?

तो कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिस का डेकोरम रहता है टीम पे आर देयर सम सेट रूल्स फॉर प्रैक्टिस और सपोर्ट स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो टीम को सपोर्ट करता है अनुप एक है ना एक दो लोग है ऑफ कोर्स आर फैसिलिटी मैनेजर ओके कृष्णा बेंद्रे यू नो इज इज देयर विद अस ऑलमोस्ट 17 इयर्स ही इज द वन एक्चुअली टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ यू नो फिटनेस लेवल या मे बी

Still we we all are the same. Ek cricket kelete, ek damal karte, and we come out from there. Yeah, sir. sir. Age is, age is is just a number, nothing else. <laughs> <laughs> right हम बात करते हैं आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट क्रिकेट हो क्लब क्रिकेट हो उसमें भी एक स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल है एक डाटा रहता है

बट एज फर द्रिकेट ग्राफ की बात करता हूं इफ आई नीड अंग बच्चा सुपरस्टार है आई कैन गेट इन यूर वेबसाइट एंड फाइंड आउट वो आर दीपल आर डूंग ग्रेट आई कैन चूज वन आर टॉक टू प्रसाद अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म सो आई डोंट नो वेदर स्क्रीनिंग में ज्यादा फायदा बहार लोग के लिए होता है कि नहीं है या मे बी दी आदा वीडियो क्लिप्स कैन बी गिव इट टू समी सिर मैं अच्छा खेलता हूं सी बच्चे आपको बहुत मिलेंगे एक्स्ट्रा टैलेंट इज डिफिकल्ट मैं एक चीज और बताता हूं आज के दिन में ना मैं जो अठारह साल उन्नीस साल के जो बच्चे हैं यू नो दे आर फोकस ओनली ऑन क्रिकेट 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 यू हैव टू अंडरस्टैंड वन लेवल कि मैं फाइव हंड्रेड परसेंट दे रहा हूं या जस्ट हंड्रेड परसेंट दे रहा हूं हंड्रेड परसेंट दे रहे हो तो प्लीज फाइंड अ बैकअप ओके कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंट होते हैं एक्स्ट्रा कुछ है जो जो रणजी खेल सकता है जो और जो इंडिया खेल सकता है यू you नो know? जैसे प्रथी शाह को मैंने पहले से नोटिस करता था कि ये लड़का में कुछ अलग है ये कुछ कर सकता है ओके okay? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी बच्चे नहीं कर सकते बट यू हैव टू गेट दट डेडिकेशन ओके यू कॉन्ट भी आई विंक हाफ ऑफ कि मैं ये भी करूंगा और वो भी करूँगा देखा जाएगा नहीं होगा सो ये मे बी गुड फॉर द चिल्ड्रन जाके अपना बैटिंग देख सकता है इंप्रूव करना है तो कर सकता है श्रीनी सर टैलेंट की आपने बात की टैलेंट हंट की बात की इज देर एनी प्रैक्टिस इन योर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक स्पेशल प्रेफरेंस uh, किसी इंप्लॉय को दी जाए फॉर यू नो अंडर द स्पोर्ट्स कैटेगरी सच काइंड ऑफ स्टफ डू यू लुक फॉर हायरिंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स

हम बोलते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा टीचर है जो आपको लाइफ के सभी स्किल्स सिखा सकता है एंड यू नो यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग ऑन अ डेस्क और इन द क्लासरूम बट व्हेन यू आर स्टेपिंग ऑफ द लाइफ एंड एग्जीक्यूट दोनिंग्स आउट ऑफ दिस गेम जो आप इतना अप्लाई देम एंड एग्जीक्यूट दैम इन योर प्रोफेशन ऑल्सो

खेलना मैं चाहता हूं उसके लिए मुझे पैसा भी मिल रहा है मेरा काम भी एक्जैक्टली exactly वैसा है एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल और उसके लिए मुझे पैसा मिलता है माई इज टू मेक श्योर दैट यू नो टेकिंग केयर ऑफ एंटायर कंपनी जो वट एवर यू नो दे का एनवायरमेंट ओवरऑल तो एडमिन इज लाइक यू नो एवरी डे इन द मॉर्निंग इज अ न्यू चैलेंजेस क्रिकेट में भी यू स्टार्ट प्लेइंग टी ट्वेंटी जाके खेल रहे हो इज अ न्यू मैच कल मैंने शायद सेंचुरी मारा होगा बट नॉट टूडे टूडे न्यू गेमल फिटनेस न्यू मेंटल स्टेटस एवरी रियक्ट करते हो एंड द ब्यूटी इज योर इज नॉट नेसेसरी डे यूल ब्यूटी इज हाउ मच कंट्रीब्यूशन यू डन दट दैट फील उस दिन आपने कितना एफर्ट डाला वो इंपॉर्टेंट है आपने सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी रन मारा हुआ है सेंचुरी मारा हुआ है या पांच विकेट हो, लिया हुआ है या फील्डिंग हार्ड कोर्क किया हुआ है इवन दो यू लूज इट जब घर जा रहे हो यू फील दैट आई हैव गिवन फील्ड्रेड परसेंट दैट्स अ ब्यूटी ऑफ मेरा ये एडमिन भी ऐसे ही है यू गिव टू हंड्रेड परसेंट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी वेदर पीपल अप्रिशिएट नॉट अप्रिशिएट दैट इज सेकेंडरी आप पहले सोचोगे कि रिजल्ट के बारे में क्या होगा देन यू कांट परफॉर्म And is apple level. If you see both cricket or your मेरा professional both are the same. Everyday new challenges. We supposed to meet in the morning. We delayed a little bit because of other things are happening. So it's it's amazing. That's why I'm see I have completed 25 years in Sony. This is my first job. I'm still excited as I was joined in 1995. मेरा जो इंतु है there is no depth. Okay, e exactly the same. so it means there is something right there is some miracle is happening in this office every day so i mean true true sir of course as you said that measure of a man is how much he is giving irrespective of who's looking at it that that's what defines you absolutely personality absolutely, absolutely. sir correct. it correct इतना वक़्त इतना वक़्त से आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट क्रिकेट के अंदर बात करें कोई ये कैसी मेमोरी जो ज़हन में आती है and you, know, you will try to sever it for the life to come

बहुत अच्छा खेलते हैं सो सो व्हेन आई एम हडलिंग टू एवरीवन सेइंग दैट गाइस वी ऑलरेडी फाइनल एक ट्रॉफी तो पक्का है लेट्स गिव आर बेस्ट उसके बाद जो रिजल्ट के बारे में सोचते जिस दे आई वाज जस्ट टेलिंग यू वी चूज टू बैट फर्स्ट थर्ड बॉल पे मेरा पहला विकेट जाता है देन आई थॉट बॉस ये गया बिकॉज दैट इज माई गुड बैट्समैन उसके बाद सेकेंड बैट्समैन जाता है इन टेन आवर्स वी स्कोर्ड वन एटी सिक्स जो मैच था वो जो जुनून था वो पैशन था आई कॉन्ट बिली थ्री बॉल्स में कुछ नाइन उसने मारा है और वो जो मैच हुआ नहीं है खत्म नहीं हुआ है पर जो मैच दस ओवर खेल के जो लोग दो वाक्य के जो हक किया है ना मुझको आई कैन स्टिल फील दट वॉर्मनेस कि सर हमने कर दिया आपके लिए यू नो दैंड ऑफ

absolutely Shunisa. It, it was so wonderful to have you with us and you know it was an amazing experience of chatting with you with that corporate cricket stuff and there was inside stories thank you so much for you know joining us and spending time for thank us you, thanks you. a lot sir thank you so much pleasure and thank you so much for calling me here thank you so much yeah. we'll see you soon okay thank yeah.